हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में क्या करेंगे, हमने जो लास्ट वीडियो में सबडोमेन बनाए थे उनके ऊपर एक एक करके थीम को अपलोड कर चेक करते हैं, उसमें सेटिंग वेटिंग चेक करते हैं कि किस में क्या सेटिंग है और किस में हम क्या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने सी पैनल में। सबडोमेन बनाया था हमने यहाँ पे और अब हम चलते हैं सी पैनल के डैशबोर्ड पे। ओके, और अब हम जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इस वीडियो में जितने भी हमने सब डोमेन्स रेडी किए हैं सबके ऊपर पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं वर्डप्रेस पे और एक एक करके सबके ऊपर पहले करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल। अभी हमारे पास दो जगह पे इंस्टॉल है, अभी इसको तो हम यूज कर रहे हैं, इसको हम भी यूज नहीं करें तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलो अभी रहने देते हैं, ब्लॉगिंग में काम आएगा हमारे पास ये। इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल न्यू और HTTP लेंगे क्योंकि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो HTTP://www. ठीक है, SSL आपको मिलता है होस्टिंग के साथ, ध्यान रखना आप। और हमारा पहला डोमेन क्या है, कार रिपेयर, इसको क्लिक करते हैं अमित और पासवर्ड देते हैं amit@123 और चलते हैं आगे। सॉरी, यहाँ आएगा पासवर्ड अमित और यहाँ देते हैं amit@123। सिंपल सब बिल्कुल सिंपल देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी ईमेल आईडी चेंज करेंगे। ठीक है, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि जब भी अगर आप कोई आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे ही आपको वो एक्सेस होगा, तो यहाँ पे आप अपनी आईडी चेंज कर लेंगे। आगे चलते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल करते हैं इसको इंस्टॉल। हो गया, इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं पहले एक बार। चलिए दोबारा आते हैं आपके वर्डप्रेस पे, सी पैनल जाते हैं या सॉफ्टवेयर प्लेस जाते हैं, कोई बात नहीं। वर्डप्रेस इंस्टॉल, देखिए आपका पहला वाला हो गया यहाँ पे, आगे कार्य पे वाला। ठीक है, और इंस्टॉल नाउ HTTP://www. और ब्लॉक्स हो गया, न्यूट्रिशन ले लेते हैं इस बार और अमित। amit@123, सिंपल और स्टोर। ये आ गया यहाँ पे इंस्टॉल नाउ।
और ये हो गया हमारे सारे जितने भी थे सब डोमेन पे वर्डपेज इंस्टॉल हो गया। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, ठीक है, अभी मैंने क्या करा है, जितने भी हमें सैंपल बना के देखने हैं मैंने सबके लिए बनाया सब डोमेन, और सब डोमेन में मैंने क्या करा सब पे इंस्टॉल कर दिया वर्डप्रेस। अब हम क्या करेंगे, इन सब डोमेन्स पे एक एक थीम इंस्टॉल करके चेक करेंगे, और बाकी सैंपल आपके सामने थीम्स के आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ आपको। प्लगइन्स में क्लिक करा, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, और देखिए यहाँ पे क्या आपका सी लाइब्रेरी क्लिक करा, सी पे क्लिक करा, और जितनी भी आपकी फ्री थीम्स यहाँ पे अवेलेबल्स है आपके सामने आ जाएंगी। और ये हमारा पूरा इसकी लिस्ट जिसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके रखा है कि कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी थीम आपकी काम करेगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सैंपल। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है, तो चार पांच छह थीम हम डाल के थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेंगे, जिससे कि आपको अगर किसी भी थीम पे काम करना हो तो आप उसको थोड़ा सा उसको आराम से कर सकेंगे, क्योंकि हर थीम को इंस्टॉल करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा है, डैशबोर्ड में गए, यहाँ पे कार रिपेयर अमित फोटो फ्रेम, ठीक है, ये हमारी थीम है। और अगर हमें इसके अंदर वो थीम ऐड करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपीयरेंस में गए, थीम पे क्लिक करा, और यहां पे गए इस पे क्लिक करा, वर्डप्रेस थीम पे क्लिक करा, यहां पे सर्च करा एक्स्ट्रा, ये आपकी थीम आ गई, इंस्टॉल करा, एक्टिवेट, ओके। अभी देखिए हमने थीम को एक्टिवेट करा, बट अभी थीम का लुक देखते हैं हमारा क्या आया, आया या नहीं आया, कंट्रोल सी, तो यहां पे जाके मैं चेक करता हूं, कंट्रोल वी और एंटर। नहीं आया, ठीक है ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी खाली एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट किया है, थीम का जो टेम्पलेट है, जो डिजाइन है, हमने इस पे वो अभी एक्टिवेट नहीं करा। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे दोबारा, ये थीम थी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक प्लगइन ऐड करना है। ठीक है, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू, यहाँ पे टाइप करेंगे एक्स्ट्रा स्टार्टर साइट्स, ओके, और एंटर आ गया, इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट। ठीक है, ये आ गया आपका प्लगइन, ये वाला, ये इन्होंने अपना भी बना के दिया है, मोजो मार्केट प्लेस और प्रमोशन है एक्चुअली मेरे का। इनको हम क्या करेंगे, यहां से कर देंगे एक दो, और इनको कर देंगे यहां से बल्क ऑप्शन में डीएक्टिवेट, अप्लाई, हो गया डीएक्टिवेट। अब क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एक दो तीन चार, और डिलीट और अप्लाई, पहले करेंगे डीएक्टिवेट, फिर करेंगे डिलीट, ओके। अब इसमें देखिए हम जाएंगे सी लाइब्रेरी के अंदर, क्लिक करेंगे एलिमेंटर के ऊपर, फ्री थीम्स में जाएंगे। अभी हमारी थीम कौन सी, कार रिपेयर, ठीक है,
तो कार रिपेयर थीम ढूंढते हैं कहाँ पे हमारी। ठीक है, ये नहीं, इसको करेंगे क्लिक, इंपोर्ट कंप्लीट साइट, ओके, डिलीट प्रीवियस इंपोर्टेड साइट। अगर कोई आपकी साइट पहले इंपोर्ट है तो ठीक है, नहीं भी तब भी इस पर क्लिक करके इसको हम कर देंगे ओवरराइट और इसको कर देंगे इंपोर्ट। ओके, हो गया क्लियर। इसको करते हैं विजिट साइट, ओके। ये आपकी साइट आ गई कार रिपेयर वाली, जो हमने अभी थीम ली थी, पूरी कंप्लीट वेबसाइट आपकी इस पे इंस्टॉल हो गई है। और अब आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी चेंजिंग करनी है, चाहे वो उसका फुटर हो, चाहे वो इसका नीचे का यहाँ का ये पार्ट हो। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, आपका वेबसाइट का नेम आ जाता है, ठीक है। और देखिए अपना आप ही ऑटोमेटिक आ रहा है, अमित और अमित, यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना। और चाहे आपका इसका जो भी आपका इसका लोगो चेंज करना है, मेन्यू चेंज करना है, वो आप कर सकते हैं। तो इसका कस्टमाइज का पार्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम एक दो थीम और इंस्टॉल करके उसको भी सेटिंग करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।